नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल प्रदेश में सूखे से 15 से 25 फीसदी पेयजल योजनाएं प्रभावित। हिमाचल में पिछले 3 माह से बारिश न होने का असर पेयजल योजनाओं पर पड़ रहा है। प्रदेश भर में 15 से 25 फीसदी तक पानी की स्कीमें प्रभावित हुई है। इन योजनाओं के पानी में 50 फीसदी तक की गिरावट आई है। सबसे ज्यादा दिक्कत शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, सिरमौर और अन्य जिलों में हो रही है। आने वाले दिनों में मौसम राहत दे सकता है। बता दें कि बारिश और बर्फबारी न होने से प्रदेश की सबसे बड़ी बिजली परियोजना नाथपा झाकड़ी समेत अन्य बिजली प्रोजेक्टों में भी विद्युत उत्पादन प्रभावित हुआ है। हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने शुरू किए डुअल प्रोग्राम, एक साथ कर पाएंगे ये कोर्स। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के अकादमिक परिषद ने अपने छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत दोहरी डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी कि अब स्टूडेंट एक साथ दो कोर्स कर सकते हैं। इस बात की जानकारी यूनिवर्सिटी के एक प्रवक्ता ने दी। बता दें कि इस बात का फैसला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशि कुमार धीमान की अध्यक्षता में लिया गया। इसके लिए विश्वविद्यालय के अकादमिक परिषद की 33वीं बैठक की गई थी। हिमाचल देश का पहला हरित राज्य बनने की ओर अग्रसर। ग्रीन एनर्जी व ई वाहनों को दी जा रही प्राथमिकता। हिमाचल प्रदेश को देश का पहला हरित राज्य बनाने के लिए हर विभाग को ई वाहनों के प्रयोग के साथ पथ परिवहन निगम के बेड़े में इलेक्ट्रिकल बसों को शामिल किया जा रहा है। यही नहीं, हिमाचल का परिवहन विभाग देश का पहला सरकारी विभाग है जो पूरी तरह से ई वाहनों का उपयोग कर रहा है। अब तो प्रदेश सरकार ने ई टैक्सी, ई बस व ई ट्रक को खरीदने के लिए 50% के अनुदान का प्रावधान किया है। ये कदम हिमाचल को देश का हरित राज्य बनाने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। प्रदेश की आर्थिकी में सबसे बड़ा योगदान आबकारी एवं कराधान से आने वाली आय यानी राजस्व जो 3500 करोड़ का योगदान है, जबकि इसके बाद ऊर्जा क्षेत्र दूसरी नंबर पर है जिससे करीब 1800 करोड़ के राजस्व का योगदान है। हिमाचल से उद्योगों का प्लान रोकने को 6% बिजली शुल्क घटाने की तैयारी। हिमाचल से उद्योगों का प्लान रोकने के लिए सरकार बिजली शुल्क में 6% तक कटौती कर सकती है। सितंबर में उद्योगों के लिए बिजली शुल्क 11 से बढ़ाकर 19% कर दिया गया था। इससे कम का 13% करने का प्रस्ताव है। वजह यह है कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हिमाचल के मुकाबले उद्योगों को अधिक रियायतें दी जा रही है। विशेष तौर पर विद्युत ड्यूटी और जीएसटी रिटर्न को लेकर बाहरी राज्य उद्योगों को आकर्षित हो रही हैं। सरकार का मानना है कि बिजली शुल्क में कटौती से उद्योगपति बाहरी राज्यों का रुख नहीं करेंगे।